प्रदेश के हल्का लेवल पर, विधानसभा लेवल पर बड़े जलसों की शुरुआत हम करेंगे। और मैं मानता हूँ जिस तरीके से किसान कमेरे का जन समर्थन मिल रहा है वो हरियाणा में एक बदलाव की भूमिका, एक पृष्ठभूमि, एक मजबूत नींव रखने का काम करेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र हरियाणा प्रदेश के लिए घोषित करे, एक चीज़ जो 7 गारंटी कांग्रेस लेकर आई है उससे साफ होता है कि अभी तक वो कर्नाटका में, तेलंगाना में जहां उनकी सरकार बने एक एक साल हो गया, वहां पर उन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाए। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने में वो कामयाब नहीं रहेगी। वहीं जो संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी ने लिया है उनको 10 साल के अपने कार्यकाल की ओर देखना चाहिए। अधिकतम संकल्प तो ऐसे हैं जो वो 10 साल में पूरे कर सकते थे। आज पिछड़ी जातियों के लिए ये कह दिया कि 33 पिछड़ी जातियों के 33 अलग बोर्ड बनेंगे, इससे बड़ा छलावा क्या होगा जब वो BC कल्याण बोर्ड का पूरा निर्माण भी नहीं कर पाए, उसके पदाधिकारी भी नहीं बना पाए। तो ये दिखता है कि सेंट्रल लीडरशिप इन पार्टियों की प्रदेश के मुद्दों को आज तक ना समझ पाई है ना देख पाई। जनता इसको समझ चुकी है और जनता वोट की ताकत से इसका जवाब दे। तो हरियाणा में क्या लगता है सर, कितनी आप सीट निकाल पाएंगे? मैं तो ये मानता हूँ पहले से दुगनी से भी ज़्यादा सीटों पर हमारा गठबंधन जीतेगा और प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाएंगे, समर्थन हमें कोई भी दे। किंग मेकर की भूमिका कह रहे आप लगातार? मैं किंग मेकर की भूमिका क्यों कहूँ, आज हमारा टारगेट है हमारी सरकार बने, हमारे गठबंधन की सरकार। सर, कैथल में घटना घटी थी जहाँ पर एक खिलाड़ी ने आपसे जी बात की थी। मेरे सामने वो घटनाक्रम आया है, वो गांव का आपसी विवाद है। कल रात को किसी के घर में जाकर वहाँ महिलाओं के साथ कुछ तल्ख टिप्पणी हुई है और उसके बाद की घटना है, ना कि मेयर से चर्चा के बाद की घटना। अभय चौटाला जी का भी बयान आया सर इसी बात को लेकर कि अगर कोई बात गलत है तो उस पर समझाना चाहिए, ऐसे करना तो कहीं ना कहीं। मेरे तो संज्ञान में भी नहीं है, मैं तो डवाली था और आज आपके बीच में हूँ। अगर कोई होगा पुलिस का काम है उस पर कार्रवाई करे, मगर कोई आधी रात किसी के घर में घुस जाए, कोई आपके घर में घुस जाए, आप क्या करोगे? बचाव में कुछ तो करोगे। मजबूत रहेगा गठबंधन प्रदेश में लगातार चल रहा है, आप भी आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, क्या लगता है? ये आज का गठबंधन नहीं है, ये तो चौधरी ताऊ देवीलाल जी ने और काशीराम जी ने, माननीय काशीराम साहब ने इसकी नींव बहुत दिन पहले रखी थी। ये उस समय भी सिरे जब चढ़ा तो किसान कमेरे की राजनीति मजबूत हुई और किसानों को किसी के अधिकारी या नेता के दरवाजे पे कागज लेके नहीं खड़े होना पड़ा। अब ये हम दोनों भाइयों ने ये प्रयास किया है कि दोबारा से एकता बने और किसान कमेरों की बात मजबूत। और राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में मेरा इतना ही कहना है कि उनके वादे वादे हैं, दावे कुछ नहीं हैं और उनमें वादों में सच्चाई कुछ नहीं है। जनता उनसे ठगी हुई है, जनता उनसे निजात चाहती है। एक मजबूत विकल्प उन्हें मिला है, जनता सोच समझ के वोट करेगी और परिणाम हमारे गठबंधन के पक्ष में आएगा, ऐसा मैं भरोसा। बिहार में दंगा हुआ सर, अब ये सरकारों का फेलियर है। आप अपने आप महसूस कर लो कि सरकारें अगर 80-80 घर जल रहे हैं और सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, वहाँ भी भाजपा से मिली हुई सरकार है, तो आप देख लो क्या हो रहा है। गरीबों का, किसान कमरों का क्या हाल है सरकारों में? सर, हरियाणा में कितना वोट परसेंट है वो आप खींच पाएंगे चंद्रशेखर आजाद है बाहर? खींचने का क्या मतलब है? हरियाणा के लोगों को आप समझदार नहीं मानते क्या? हरियाणा के लोग ज़्यादा समझदार है। एक बात तो है कि वो दिल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई वो भरोसा करें और भरोसे पर हम लोग उनके खरे उतरेंगे। हम लोग यहाँ उनकी सेवा करने के लिए हैं। ठगने वाले तो उनको बहुत थे, अब उन ठगों से बचने के लिए उनको एक बार पुनः दुष्यंत चौटाला जी पे और हम पे भरोसा करना पड़ेगा, तो फिर उनको दोबारा किसी दूसरे नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उनके काम के लिए जिंदगी भर खड़े रहेंगे। 25 तारीख को मायावती जी जाने की धरती पर रैली करी है भाई ने, बड़ी रैली जी, कहना कि जो 80 वोट बैंक है वो BSP की तरफ जा सकता है? उचाणा में कर रही है, उचाणा के अंदर आएगी तो आप देख लो। उचाणा में हमारा प्रत्याशी इतना मजबूत है कि सेंटर के लीडरों को पहले यहीं से शुरुआत करनी पड़ रही है। वो अपनी बात को, हमारी सीनियर नेता अपनी बात को कहकर चली जाएंगी, लेकिन जनता हमारे साथ है, जनता को वोट हमें देना है।